हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल और एट अ टेम्परेचर ऑफ जीरो केल्विन इज इक्वल टू जीरो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज बेसिकली द रैंडमनेस, दैट मीन द मूवमेंट ऑफ द degree of randomness, that means the movement of the particle that is in moving in a different direction at a particular temperature. So now we talk about the Kelvin. Kelvin is basically is zero Kelvin is minus 273 degree centigrade. That means lower very temperature. So the entropy, the degree of randomness, आप ये कह सकते हैं जीरो ऑफ डिग्री रैंडमनेस मीन्स जो उसका मूवमेंट है पार्टिकल का वो कितनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है उसे डिग्री उसे रैंडमनेस कहा जाता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर लोअर करते जाएंगे और जीरो केल्विन तक पहुँचते जाएंगे तो उसकी जो मूवमेंट है जो पार्टिकल की वो एक तरीके से रुक जाएगी, एकदम ज़ीरो हो जाएगी, उसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्रिस्टल है और जैसे जैसे इसके जीरो केल्विन पे है और इसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस एस डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, ये एक तरीके से ज़ीरो हो जाती है। और इस पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी हीट नहीं है। जैसे जैसे हीट करना करेंगे स्टार्ट देना स्टार्ट करेंगे तो जैसे हीट कर देंगे तो टेम्परेचर राइज होगा और ये मूवमेंट होने लग जाएगा। तो ये जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस है एट जीरो केल्विन पे, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे ही जितनी एनर्जी ज़ीरो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी सारी एनर्जी उससे निकाली जाती है और उसको हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि ओनली सिर्फ एक ही मैक्रो स्टेट होती है, वो है ग्राउंड स्टेट, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसकी काफ़ी दूसरी माइक्रो स्टेट हो जाती है। तो माइक्रो स्टेट होती ही नहीं है, ज़ीरो डिग्री पे ही पूरी उसकी एनर्जी एक ही स्टेट होती है, वो है ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे उसकी एनर्जी बिल्कुल रुक जाती है, निकाली जाती है और सब पार्टिकल के मिनिमम यानी ग्राउंड स्टेट पे ही उसकी अकोमोडेट करती है। इसको हम जीरो केल्विन कहते हैं। देर इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेस्टेड। देर इज अ साइंटिस्ट हु गिव दैट द थर्मोडायनेमिक लॉ स्टेट दैट इट इज नॉट possible for a process to bring the entropy of a given system in a finite number of operations. That means if a number of operations is operating, that means and we bring the system in at zero entropy, number of operations operating on a system that make it entropy absolute zero. नेस्टेड ने यह कहा कि कोई भी सिस्टम को हम एंट्रोपी, उसकी जो एंट्रोपी है उसे हम ज़ीरो डिग्री ज़ीरो पे नहीं ला सकते हैं कि एक नंबर या कुछ फाइनेट नंबर पे ऑपरेशन करने के बाद। आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इससे उन्हें आसान भाषा में फिजिक्स समझने वाले वीडियो मिलते रहें। Those who have not subscribed my channel, kindly subscribe it so that they will get the video of easy understanding of physics. Thank you.